दो साल पहले रिटायरमेंट ले चुके डिविलियर्स की वापसी की कयासराइयां तेज, कोच बाउचर ने किया खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले मोहम्मद शमी पर क्यों नहीं है दबाव, खुद किया खुलासा। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। दो साल पहले रिटायरमेंट ले चुके डिविलियर्स की वापसी की कयासराइयां तेज, कोच बाउचर ने किया खुलासा। दुनिया के धमाका खेज बल्लेबाजों में से एक साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स भले ही 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके अंदर की आग अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इसकी झलक वो हाल ही में ख़त्म हुए आईपीएल में दे चुके हैं। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कोच और डिविलियर्स के पुराने साथी मार्क बाउचर को उनकी वापसी की उम्मीद है। आईपीएल की शानदार फॉर्म के बाद जब बाउचर से डिविलियर्स की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन की बहस में शामिल हैं और अगर वो फ्रेंचाइजी लीग में अच्छा क्रिकेट खेलते रहेंगे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले मोहम्मद शमी पर क्यों नहीं है दबाव, खुद किया खुलासा। इंडिया टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अच्छे फॉर्म में हैं, जिससे वो बिना किसी दबाव के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो पाए हैं। शमी का ये आईपीएल सीजन अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने पंजाब के लिए 20 विकेट लिए, जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ डबल सुपर ओवर में 5 रन का शानदार बचाव करना भी शामिल है। शमी ने शनिचर को कहा, आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए मेरी परफॉर्मेंस ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और मुझे सही जगह पहुंचा दिया। शमी को लगता है कि आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस ने उन पर से दबाव हटा दिया है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं अब बिना किसी दबाव के इस सीरीज़ के लिए तैयारी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। मोनाको ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पीएसजी को 3-2 से हराया। काइलिन एम्बापे के अपने साबिक क्लब के खिलाफ 2 गोल भी पीएसजी के लिए काफ़ी नहीं रहे, जिसे 2-0 की बढ़त के बावजूद मोनाको ने 3-0 से हार का मुंह देखना पड़ा। एम्बापे ने पहले हाफ में 2 गोल करके पेरिस सेंट जर्मन को बढ़त दिलाई, लेकिन मोनाको ने वापसी की और मैच खत्म होने तक 3 गोल दागे और मुकाबला जीत लिया। एपिया के गोल से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मुंबई सिटी को हराया। घाना के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी क्वेसी एपिया के गोल के दम पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शनिचर को मुंबई सिटी एफसी को 1-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग में शानदार आगाज किया। मेडवेडेव स्क्वाड्समैन को हराकर एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में डेनियल मेडवेडेव ने अर्जेंटीना के डीगो स्क्वाड्समैन को एटीपी फाइनल्स में आसानी के साथ हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना राफेल नडाल से होगा। उन्होंने स्क्वाड्समैन को 6-3, 6-3 से हराया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।